दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कलौंजी तेल के फायदों के बारे में बताएंगे, जिसे ब्लैक सीड्स ऑयल भी कहते हैं। कलौंजी का इतिहास सालों पुराना है। सदियों से इसका इस्तेमाल मसाले के तौर पर और दवाइयों के रूप में किया जा रहा है। इसके औषधीय गुणों के चलते ही इसे कहा जाता है कि कलौंजी का तेल हर मर्ज का इलाज है, सिवाय मौत के। कलौंजी का तेल सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, आयुर्वेदिक किताब स्टांग रिद्यम, जिसे महर्षि वाग्भर्जी ने हजारों साल पहले लिखे थे, उन्होंने कलौंजी के तेल को अमृत के समान बताए हैं। इस शरीर के कई भयंकर बीमारियों को चुटकियों में इलाज कर देता है। अगर शरीर में कोई बीमारी ना भी हो तो भी आप कलौंजी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे भविष्य में बीमारियों का खतरा नहीं रहता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलौंजी का तेल कौन कौन से रोगों का इलाज करता है और किस तरह से इसे कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों, बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, बाल सफेद हो रहे हों समय से पहले, या बाल झड़ रहे हों, बाल कमजोर हो गए हों, तो उसमें कलौंजी का तेल बेहद ही फायदेमंद है। इसके अलावा मोटापा, डायबिटीज, पुरुषों की अंदरूनी कमजोरी, कई पुरुष ऐसे हैं जो उम्र से पहले ही खुद में कमजोरी फील करते हैं, जोश में कमी फील करते हैं, तो उनके लिए भी कलौंजी का तेल बेहद ही फायदेमंद है। जिन्हें भी दिल से संबंधित कोई समस्या हो, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, बवासीर हो गया हो, अस्थमा हो, जोड़ों में दर्द, बदन दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, अर्थराइटिस की समस्या हो, गठिया हो गया हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, किडनी में पथरी की समस्या हो गया हो, या फिर दिमाग कमजोर हो गया हो, अल्जाइमर की प्रॉब्लम हो, बार बार भूल जाते हो, महिलाओं के रोग लिकोरिया यानी कि सफेद पानी की समस्या हो गई हो, खांसी कफ हो गया हो, छाती में बलगम जम गई हो, यूरिन की प्रॉब्लम हो, ईटीआई हो गया हो, यूरिन इन्फेक्शन हो गया हो, यहाँ तक कि कैंसर का भी इलाज कलौंजी का तेल करता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कलौंजी के फायदों के बारे में और इसके उपयोग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कलौंजी का तेल बालों के लिए कैसे फायदेमंद है और इसे कैसे उपयोग करना है। दोस्तों, कलौंजी का तेल, जैसे मैंने बताया, कि बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। खूबसूरत और हेल्दी बालों के लिए कलौंजी का तेल किसी रामबाण से कम नहीं है। बालों की मजबूती से लेकर चमक तक में स्कैल्प का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके बाल स्कैल्प के फॉलिकल से ही उत्पन्न होते हैं। डैंड्रफ, ऑयली और स्कैल्प में खुजली से बालों के उगने में बाधा आती है और जो फॉलिकल्स के छेद होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं गंदगी की वजह से, पसीने की वजह से, या फिर डैंड्रफ की वजह से। ऐसे में आप कलौंजी का तेल का यूज कर सकते हैं। कलौंजी में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एनाल्जेसिक होता है। यह स्कैल्प के हेल्थ को बनाए रखने में हेल्प करता है। यह डैंड्रफ के साथ साथ एक्जिमा और सोरासिस से भी निपटने का काम करता है। जी हाँ, इसके अलावा कलौंजी का तेल स्कैल्प में नमी बनाए रखता है और स्कैल्प में ऑयल को संतुलित करने में हेल्प करता है। कलौंजी के तेल में दोस्तों थायमोक्विनोन और नाइजिलोन होता है। ये दोनों ही तत्व बालों को फिर से उगाने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह बालों को झड़ने से रोकने में भी हेल्प करता है। कलौंजी में 100 से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो बालों के साथ साथ फॉलिकल्स को भी जरूरी पोषण प्रदान करते हैं। अगर आप गंजेपन के भी शिकार हो तो भी आप कलौंजी का तेल इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है कि कलौंजी के तेल को हथेलियों पर लेना है और अच्छी तरीके से रगड़ना है, ताकि थोड़ी गर्माहट तेल में आ जाए। अब तेल से अपने बालों की अच्छी तरह से मालिश करना है। तेल को खासकर उस जगह पर लगाना है जहाँ बाल ज्यादा झड़ रहे हों। बालों के जड़ों और स्कैल्प पर अच्छी तरह से तेल लगाना है। इस तेल को आप रात को सोने से पहले लगाइए और सुबह किसी भी शैम्पू से वॉश कर लीजिए। ऐसा आप हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर करें। कलौंजी के तेल से मालिश करने से हेयर फॉलिकल्स एक्टिव होते हैं और बालों के बढ़ने में हेल्प मिलती है। एक खास नेचुरल तेल फॉलिकल्स को जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, जो बालों के स्वास्थ्य के लिए बेहद ही जरूरी है। चलिए, तो बालों के लिए हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ स्किन के लिए किस तरह से फायदेमंद है। दोस्तों, ये स्किन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। चाहे स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, या फिर कील मुहासे वाली हो, कलौंजी का तेल हर तरह के प्रॉब्लम में हेल्प करती है। स्किन पर कलौंजी का तेल इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है, आधा चम्मच कलौंजी के तेल को 1 कप सेब के सिरके में या फिर 1 कप नींबू के पानी में मिक्स कर लें और रोजाना दिन में 2 बार चेहरे पर लगाएं और 1 घंटे के बाद धो दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्किन पर इंस्टेंट ग्लो आ जाए, तो इसके लिए आप आधा चम्मच कलौंजी के तेल में आधा चम्मच ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल और 1 चम्मच शहद मिलाकर स्किन पर लगाएं। आधे घंटे के लिए ऐसे ही रहने दें और फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें। चलिए, ये तो हो गया बालों के लिए और स्किन के लिए। अब जानते हैं हेल्थ के लिए किस तरह से फायदेमंद है। कलौंजी का तेल दोस्तों शरीर में खून की कमी को दूर करती है। इसके लिए क्या करना है कि 1 कप पानी में 50 ग्राम हरा पुदीना उबाल लेना है। पुदीना देखिए आपको बाजार में मिल जाएगा। 50 ग्राम के आसपास पुदीना को 1 कप पानी में उबाल लीजिए और इस पानी में आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर सुबह खाली पेट और रात को सोते समय सेवन करें। आपको दोनों टाइम आधा आधा चम्मच सेवन करना है। इस तरह 21 दिनों में ही खून की कमी दूर हो जाती है। आप इसका इस्तेमाल इस बारिश के मौसम में भी कर सकते हो और गर्मी के मौसम में भी कर सकते हो। इसका इस्तेमाल करते समय पेशेंट को खाने में
खट्टी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है। जी हाँ, खट्टी चीजों को नहीं खाना है। इसके अलावा दोस्तों पुरुषों के अंदरूनी रोग की बात करते हैं। जिन भी पुरुषों को स्वप्न दोष की समस्या हो या फिर अंदरूनी कमजोरी महसूस करते हों, जोश में कमी महसूस करते हों, तो उनको क्या करना है 21 दिनों का इलाज बताता हूँ। कलौंजी का तेल आधा आधा चम्मच दिन में दो बार सेब के रस के साथ लेना है। जी हाँ, एप्पल जूस के साथ लेना है और एप्पल जूस आपको फ्रेश यूज करना है, ना कि बाजार में जो टेट्रा पैक में मिलता है वो एप्पल जूस यूज नहीं करना है। आपको फ्रेश एप्पल जूस में पीना है, दोनों टाइम आधा आधा चम्मच लेना है। सुबह आप नाश्ता करने के आधे घंटे पहले लीजिए और शाम को 4 से 5 बजे के बीच लीजिए। ये दोनों टाइम आपको 21 दिनों तक लेना है। साथ ही दोस्तों ये स्त्रियों के रोग जैसे कि रक्तप्रदर, लिकोरिया, डिलीवरी के बाद दुर्बलता यानी कि कमजोरी होती हो तो उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद है। उनको क्या करना है कि आधा चम्मच कलौंजी का तेल रोजाना सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी में डालकर पीना है। इस दौरान आपको बैगन, अचार, अंडा और मछली को अवॉइड करना है। आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा मिलने लगेगा, ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। आपको इस तरह कम से कम 21 दिनों तक लेना है। चाहे कितना भी पुराना रक्तप्रदर हो, लिकोरिया की समस्या हो, सफेद पानी की प्रॉब्लम हो, आप जरूर इसका इस्तेमाल करके देखिए। अगर जिनको भी हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो गई हो, शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, तो उनको भी कलौंजी का तेल रोजाना सुबह खाली पेट आधा चम्मच की मात्रा में हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। इसे लेते रहने से आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखने में हेल्प मिलता है। इसमें दोस्तों लिनोलिक एसिड्स और फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके रखते हैं। दोस्तों अगले फायदे की बात की जाए तो जिनको भी अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द, हाथ पैरों में सूजन की समस्या हो, गठिया की समस्या हो गई हो, कंधे में दर्द होता हो, कलाइयों में दर्द होता हो, टांगों में दर्द होता हो, शरीर में कहीं भी दर्द होता हो, एड़ियों में दर्द होता हो, चाहे कितना भी पुराना हो, तो कलौंजी का तेल आपको लगातार 3 महीने तक इस्तेमाल करना है। आपको रोजाना सुबह खाली पेट 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में आधा चम्मच कलौंजी का तेल डालकर पीना है और ये भी आपको बासी मुंह, बगैर कुल्ला किए, बगैर ब्रश के आपको लेना है। और ऐसा लगातार 3 महीने तक लेने से आपको बहुत ही जबरदस्त फायदा मिलेगा। आपको कुछ ही दिनों के इसके इस्तेमाल से फायदा दिखने लगेगा। शरीर में कहीं भी सूजन हो, स्वेलिंग हो गई हो तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इसमें 2 चम्मच सेब का सिरका भी ऐड कर सकते हो। अगले फायदे की बात की जाए तो दोस्तों अस्थमा पेशेंट के लिए काफी फायदेमंद है। उनको क्या करना है कि छाती और पीठ पर रात को सोते समय कलौंजी के तेल से मालिश करना है, उनको बहुत फायदा मिलेगा। और साथ ही पानी में कलौंजी के तेल डालकर उसका स्टीम लेना है, उसका भाप लेना है, तो उनको इससे बहुत ही जबरदस्त फायदा मिलेगा। तो अस्थमा पेशेंट कलौंजी के तेल का भाप ले सकते हैं और कलौंजी का तेल से मालिश कीजिए। कलौंजी का तेल दोस्तों हार्ट को हेल्दी रखने में भी बहुत हेल्प करता है। इसके लिए आपको लेना है 1 कप बकरी का दूध और आधा चम्मच कलौंजी, इसको मिक्स करके सेवन करना है। कम से कम 1 सप्ताह तक सेवन करना है। इस तरह आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। बकरी के दूध के साथ रोजाना आपको सुबह नाश्ता करने से आधे घंटे पहले लेना है। कलौंजी का तेल सिर दर्द के इलाज में भी फायदा करता है। सिर दर्द को कम करने के लिए माथे पर कलौंजी के तेल का मसाज करना चाहिए और साथ में रोजाना आधा चम्मच की मात्रा में 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लगातार इसका सेवन करना चाहिए। अगर आपको माइग्रेन की समस्या हो, बहुत ही पुराना माइग्रेन के प्रॉब्लम हो, तो भी आप इस तरह कलौंजी के तेल का इस्तेमाल करके देखिए, आपको फायदा मिलेगा। सर्दी जुकाम में भी ये फायदा करता है दोस्तों। इसके लिए क्या करना है कि कलौंजी के बीजों को तवे पर सेंक लेना है और कपड़े में लपेट कर उसे सूंघना है, इससे सर्दी जुकाम में फायदा मिलेगा। इसके साथ ही कलौंजी का तेल और जैतून का तेल बराबर मात्रा में लेना है। जी हाँ, ऑलिव ऑयल और कलौंजी का तेल बराबर मात्रा में लेना है और 2-2 बूंद रात को सोने से पहले नाक में डालना है। इससे सर्दी जुकाम जड़ से खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं तो कलौंजी के तेल का इस्तेमाल कीजिए। वजन को कम करने के लिए आधा चम्मच कलौंजी का तेल और 2 चम्मच शहद को मिक्स करके हल्के गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार लें। कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। अगर आप भी हमेशा हेल्दी व फिट रहना चाहते हैं तो रोजाना तो कलौंजी के तेल का इस्तेमाल कीजिए। 1 टाइम सुबह खाली पेट लीजिए और 1 टाइम शाम को 4 से 5 बजे खाली पेट लीजिए। दोनों टाइम इसका इस्तेमाल कीजिए और फिजिकल एक्टिविटी रखिए और हेल्दी डाइट लीजिए। आपका वजन यकीनन कम होगा। डायबिटीज रोगियों के लिए भी कलौंजी का तेल बेहद ही फायदेमंद होता है। डायबिटीज रोगियों के लिए एक उपाय बताता हूँ, आयुर्वेदिक उपाय। 1 कप आपको कलौंजी के बीजों को लेना है, 1 कप राई के दाने लेने हैं, 1/2 कप अनार के छिलके को पीसकर चूर्ण बना लेना है। जी हाँ, कलौंजी के बीज, राई दाना और अनार के छिलके तीनों को मिलाकर चूर्ण बनाना है और रोजाना सुबह इसका 1/2 चम्मच चूर्ण और 1/2 चम्मच कलौंजी का तेल
दोनों को मिलाकर सुबह नाश्ता करने से 30 मिनट पहले लेना है, आधे घंटे पहले लेना है और लगातार एक महीने तक करने से आपको फर्क महसूस होने लगेगा। आपका ब्लड शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगा, इस तरह जरूर लेके देखिए। इस तेल से दोस्तों आप अपने मेमोरी पावर को भी बढ़ा सकते हैं। दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना है कि 10 ग्राम पुदीने के पत्ते और आधा चम्मच कलौंजी के तेल को पानी में मिलाकर उबाल लीजिए और आप इसको सुबह नाश्ता करने से आधे घंटे पहले लीजिए। ऐसा आपको लगातार 20 से 25 दिन तक करना है, आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ने लगेगी। इसके अलावा कलौंजी के तेल से पेट दर्द, ऐंठन से राहत मिलती है। ये पेट में गैस, सूजन, अल्सर की प्रॉब्लम को भी खत्म करने में हेल्प करता है। पेट से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आज से इसका सेवन शुरू कर दीजिए। सिर्फ आपको आधा चम्मच कलौंजी का तेल एक गिलास हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना है। साथ ही दोस्तों ये ज्वाइंटेस यानी कि पीलिया को दूर करता है। इसके लिए क्या करना है कि आधा कप दूध में आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर रोजाना सुबह शाम लेना है। सुबह खाली पेट और रात को सोते समय एक सप्ताह तक लेने से ही पीलिया रोग समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। कलौंजी के तेल का इस्तेमाल आप घाव को भरने में भी कर सकते हैं। इस तेल को घाव की जगह पे लगाइए और तेल का सेवन कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों कलौंजी के तेल में मौजूद थायमोक्विनोन और थायमोहाइड्रोक्विनोन में विशेष हीलिंग प्रभाव होते हैं। ये दोनों ही तत्व मिलकर इन सभी बीमारियों से लड़ने और शरीर को हील करने में हेल्प करते हैं। इतना ही नहीं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ब्लड कैंसर, फेफड़ों की समस्या, लीवर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स में भी कारगर है। दोस्तों ये कोई नई दवा नहीं है, बल्कि इन गंभीर बीमारियों के लिए इसकी खोज हजारों साल पहले हो चुकी थी, जिसके बाद इस दवा पर साइंस के अब तक कई रिसर्च हो चुके हैं, जो बहुत सी बीमारियों के लिए ब्लैक सीड्स ऑयल को बेहतरीन घरेलू दवा साबित करते हैं। तो दोस्तों अगर इसके नुकसान की बात की जाए तो गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना और जितनी क्वांटिटी बताई गई है बस उतनी ही क्वांटिटी आप इस्तेमाल में लेकर आइए। किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। आधा आधा चम्मच कलौंजी के तेल आप दिन में दो बार ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा क्वांटिटी ना लें। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप और फेसबुक पे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।